कैसे हो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो बच्चों, आज के दिन हम करने वाले हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैथ्स, और इसमें हम अंडरस्टैंड एंड राइट 6 ये वाला एक्टिविटी करेंगे। तो चलिए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो बच्चों, आपके पेज नंबर 13 पर एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपको अंडरस्टैंड एंड राइट 6 कहा गया है। 6 को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसको। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है। सबसे पहले यहाँ पर आप काउंट करोगे तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आपको यहाँ पर टोटल कितने दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आपको 6 दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों, यहाँ पर 6 दिखने में कैसे दिखता है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। 6 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, SIX 6, ये आपको स्पेलिंग भी याद होना चाहिए, ठीक है, बाय हार्ट कर लेना। बच्चों, 5 के साथ अगर आप 1 मिलाते हो तो बन जाता है 6, जैसे कि यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में दिया है। यहाँ पर ये 5 फिंगर है और उसके साथ अगर आप 1 फिंगर मिला लो तो इन दोनों को अगर आप प्लस कर लोगे तो आपका बन जाएगा 6। यहाँ पर और एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इंसेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 6 इंसेक्ट दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर बॉक्सेस दिए हैं, यहाँ पर भी आपको 6 बॉक्सेस दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कहा गया है कि ड्रॉ 6 बीट्स, ठीक है, 6 बीट्स हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं और उसके अंदर हम कलर भी करेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी हम ड्रॉ करते हैं 6 बीट, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देखो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें आगे क्या कहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया है, प्लेस द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, ये जो आपको धागा दिख रहा है या फिर जो रस्सी दिख रही है इसको स्ट्रिंग कहा जाता है, ठीक है। प्लेस द स्ट्रिंग इन सच अ वे दैट 6 ऑब्जेक्ट विल बी इन इट्स लूप। लूप किसे कहते हैं बच्चों, जो राउंड सर्कल होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये एक लूप है, ठीक है। लूप के अंदर आपको 6 ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया है, टोटल हमें यहाँ पर 8 ऑब्जेक्ट दिए थे, ड्रॉ करना है कि 6 ऑब्जेक्ट ही उस लूप में आ जाए। एग्जाम्पल में हमें दिया है कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमें बोर्ड्स दी हैं, बहुत सारी बोर्ड्स दिए हैं, इसमें हमें 6 को हमें एक लूप में लेना है। तो देखो यहाँ पर कितने बोर्ड्स दिए हैं, पहले सबसे पहले काउंट करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल हमें कितनी दी है, 7 बोर्ड्स दिए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 6 को ही लूप में लेना है, ठीक है। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से बच्चों आपको लूप बनाना है जिसमें के आपके 6 बोर्ड्स जो है वो कवर हो जाएं, ठीक है बच्चों। अब देखो काउंट करो, हमने जो ड्रॉ किया लूप उसमें 6 ही है क्या, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, है ना बच्चों। तो हमने 6 बोर्ड को इस लूप में ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, बड़ा ही आसान है, सिंपल है, बस आपको ध्यान से काउंट करना है और उसके बाद आपको लूप को ड्रॉ करना है। आपको 6 लिखने की प्रैक्टिस करना है, हमने 6 को अंडरस्टैंड किया कि 6 कैसे दिखता है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी आपको डॉट यहाँ पर दिख रहे हैं उन सब डॉट्स को आपको ज्वाइन करना है और आपका बन जाएगा 6। कैसे करेंगे, सब डॉट्स को आपको ज्वाइन करना है तो आपका 6 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी डॉट्स को ज्वाइन करना है और ये बॉक्स का आपका प्रैक्टिस होने के बाद आपको डाउन साइड भी खुद से ओन से आपको 6 लिखना है। कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करो, इसको होमवर्क में ले लो बच्चों, और घर पर भी आपको प्रैक्टिस करना है, डेली आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करना है, तभी आपको अच्छे से आएगा। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।